बार बार तुम भाग्यशाली निकली, एक पूरी प्लेट भर कर पॉपकॉर्न। निक के पास ज्यादा नहीं है पर वो परेशान भी नहीं है। जूली की किस्मत साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है। जूली तुम शुरू करो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है? मुझे यही चाहिए था। वास्तव में तेज और स्वादिष्ट निकला। वाह, अब मैं इस पॉपकॉर्न को जल्दी से पकाऊंगा। वाह लीक, तुमने ये नहीं बताया कि तुम एक शेफ हो। इस रेसिपी को लिख लो। एक फ्राइंग पैन लो और इसमें मकई के दाने डाल दो और एक दो मिनट इंतजार करो, फिर इसके मजे लो। वाह, ये एक विस्फोट है। लड़कियों सावधान हो जाओ। वाह लीक, यह वास्तव में विस्फोटक नुस्खा था। पॉपकॉर्न बनाने का मेरा अपना तरीका है। कोला में थोड़ा टबैस्को मिलाएं और इसे अपने दोस्तों को पीने के लिए दें। यह क्या है? बस मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद निक। तीखा गर्म। वाह निक और बारबारा के पास कितने सारे गमी आए हैं और जूली के पास सिर्फ एक है, केवल एक। कितना कम। निक यदि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो जूली मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए यह लो। मेरे साथ मत उलझो, हमें झगड़ना क्यों है? अब मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। निक अब तुमने क्या सोचा है? आँख में केचप? छी कितना गंदा। जूली अगर तुम चाहो तो मेरी आँख खा सकती हो। क्या ये सच में तुम्हारी आँख है? हाँ ये लो। इसे मुझसे दूर करो। बारबारा सावधान, तुम्हें निक की आँख खाली है। यह क्या? छी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुबह सुबह एक कप गर्म कॉफी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वादिष्ट। रुको, यह क्या है? एक आईबॉल। तुम लोग असली जोगर हो। अब मेरी बारी है। कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह इसे कहते हैं भूख। ओह क्या स्पीड है। मेरी बारी है अब। टर्बो मोड, स्वादिष्ट। वो नेक, तुमने वो सब कितनी जल्दी खा लिया। क्या तुम लड़कियों के साथ शेयर कर सकते हो? प्लीज, तुम्हें बहुत भूख लगी है। केवल एक प्लीज? नहीं ये मेरे हैं। नेक तुम इतनी गमी आई एक साथ नहीं खा सकते, बहुत देर हो गई। अब तुम वो सारी शरारत देखो जो लड़कियों ने तुम्हारे साथ की है। छी मैं ये सब नहीं खा सकती, इसे मेरे सामने से हटाओ। केवल एक? मैं यह कर सकता हूँ। वो क्या है? दोस्तों हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकते हो। मैं पहले शुरू करूंगी। बारबारा यह एक बीज है, तुम्हें इसे खाना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगाना चाहिए। ध्यान से बारबारा, देखो तुम कहाँ फेंक रही हो। अब मैं तुम्हें रोपने जा रही हूँ। बढ़ो, पौधा निकल क्यों नहीं रहा है? बारबारा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसे बढ़ने का समय दो। मैं पहले शुरू करता हूँ, इसे जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि इसका स्वाद समझ में नहीं आए। छी कितना गंदा, मुझे इस खराब स्वाद से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे इसे की जरूरत थी, मैं ये ले रही हूँ। मुझे अपने पौधों को पानी देने की जरूरत है, अब यह बढ़ेगा। भूकंप, छिप जाओ, डरो मत, वो सिर्फ बारबारा का बीज बढ़ रहा था। अब बारबारा के पास अपना ब्रोकली का पौधा है। कितना खराब, मुझे ब्रोकली से नफरत है। छी बारबारा तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और तुम्हें अपना ब्रोकली खा लेना चाहिए। नहीं ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता, पर मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने का। देखो उधर ऑक्टोपस है। जूली तुम्हें पता है ना कि सभी शरारतों की सजा अंत में जरूर मिलती है, और एक तो निक ने तैयारी कर रखी है। वो बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर थोड़ा और खाओ। नहीं छी कितना खराब, अगली बार धोखा देने की कोशिश मत करना। वाह फ्रेंच फ्राइज, सभी काफी खुश हैं। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। पर रुको, जूली उतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे बस एक छोटा फ्राई मिला है। कितना स्वादिष्ट पर बहुत कम, मुझे और चाहिए। अब मेरी बारी है। बारबारा थोड़े फ्राई मुझे दो। क्या कम से कम एक ही दे दो? Could you please? बिल्कुल नहीं, ये लो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम बस देखो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी।
जूली बारबरा के केचप को वास्तव में तीखा बना रही है, यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। होना चाहिए था। बारबरा, तुम्हें जल्दी से ठंडा होने की जरूरत है, पर कैचअप के साथ नहीं, यह बेहतर है। मेरे पास पर्याप्त कैचअप है। निक, अपने फ्राइज का ध्यान रखो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या? बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद निक, तुमने मेरा सारा फ्रेंच फ्राइज खा लिया, ये लो। निक, परेशान मत हो, बस अगली बार अधिक सतर्क रहना। वाह, प्रिंगल्स का एक पूरा कैन, निक तो किस्मत वाला निकला। पर बारबरा के पास तो इसका पूरा पिरामिड है। वाह, और जूली के पास सिर्फ एक है, और वो बहुत ही छोटा है। मैं यह ठीक कर लूंगी। अब बेहतर है। स्वादिष्ट। निक, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम चलो। क्या, यह खुल क्यों नहीं रहा है? ध्यान से अपने दांत मत तोड़ लेना, लगता है आज तुम्हें प्रिंगल्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए तो मेरे पास एक चेनसॉ है। ओ, ये हमें मत काट देना, बस कुछ बार काटना होगा और फिर यह कैन खुल जाएगा। तुम तो एक असली मास्टर निकले। देखो, वाह निक, ये कितनी ताकत से तुमने फेंका प्रिंगल्स को, वो कैन सीधे आकाश तक पहुँच जाएगा। निक, अपना मुंह खोलो, चिप्स तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट चिप्स खाती हूँ। वाह बारबरा, तुम्हें तो काफी भूख लगी है। अरे ध्यान से अपना कैन फेंको। ओह, चोट लग गई। कितना स्वादिष्ट, क्या हो रहा है? निक, बेहतर होगा कि तुम टेबल के नीचे छिपे रहो, बारबरा बॉम्ब फेंक रही है। जूली, झुक जाओ, मैं इसका शिकार फिर नहीं बनूंगी। वाह, तुम तो एकदम तैयार हो, पर निक तो नहीं। ध्यान से, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बारबरा, अपना टावर पकड़ कर रखना। यह काम कर गया। यह क्या हुआ? किस्मत ने फिर जूली का साथ नहीं दिया, सिर्फ एक। निक के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरा एक प्लेट स्किटल मिला है। वाह, और बारबरा को सारे रंग मिले हैं। सिर्फ एक, और वो भी इतना छोटा। चुप रहो, मेरे पास एक आइडिया है। जूली, मुझे नहीं लगता कि वह काम करेगा, पर कोशिश करके देखो। वाह, अब यह तो बढ़िया है, अब यह बेहतर है। वाह, कितना स्वादिष्ट, यह कमाल का था। मैं तो स्किटल्स हमेशा खा सकती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। निक, अब तुम्हारी बारी, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, तुम तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हो, पर तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अरे नहीं, मेरे स्किटल्स। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत स्किटल्स किसके पास है। निक, मुझे नहीं लगता बारबरा को ये आइडिया पसंद आएगा, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ, आउच, यह सिर्फ मेरा है। मैं कौन से फ्लेवर के साथ शुरू करूँ, यह वाला या यह वाला? नहीं, यह वाला। मैं चुन नहीं पा रही, ये बहुत मुश्किल है। ओ, मुझे पता है, वो क्या है? एक लॉटरी, जिसकी मदद से मैं एक रंग चुन पाऊंगी। चलो खोल कर देखती हूँ। मैं हरे के साथ शुरू करूंगी। ओके। कितना स्वादिष्ट, मुझे स्किटल्स बहुत पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर एक साथ खाने का मन है। कितना बढ़िया, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। यह क्या है? वाह, अरे ये तो बड़ा स्किटल्स है। कितना बड़ा है, और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। एकदम सही कहा, यह लाजवाब है, और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है। Okay. दोस्तों इधर आओ, इधर सबके लिए काफी है। वाह, ट्रिक्स तो कमाल का होता है। What? Okay.
या लोग तो शुरू करने का इंतजार ही नहीं कर सकते। मैं पहले चलती हूँ। अरे ध्यान से, मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ जूली, सावधान रहना वरना तुम सब काट दोगी। हो गया। What? Oops. कितना स्वादिष्ट, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जूली, तुम तो इतनी गंदी हो गई हो कि अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अब मेरी बारी है। ओह, तुमने तो वो रैपर बहुत जल्दी हटा दिए, बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट, पर फिर भी किसी चीज की कमी है। हाँ, मुझे गर्म दूध की जरूरत है। वाह, ये तो एक असली चॉकलेट कॉकटेल बन गया है। एकदम सही जोड़ी है। अब मेरी बारी है। वाह, तुम्हारे पास तो ट्विक से बनी एक पूरी दीवार है, और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। मेरे उपकरण कहाँ है? न्यूटेला, मुझे इसकी ही जरूरत है। मैं इन ट्विक्स को एक टावर बनाने जा रहा हूँ। निक, तुम्हें अपने दोस्तों को ट्विक्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हो रहा है? नहीं निक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मेरे हैट ने मुझे बचा लिया। लगता है हमें बहुत सारे चॉकलेट बना पा रहा हूँ, जिसे हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में घोल के पर्याप्त लिक्विड नहीं है। नहीं, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। नहीं, मैं कुछ बर्बाद ही करूंगी। ओह, देखो, चॉकलेट स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ हो रहा है। यह हिल रहा है। यह चॉकलेट ब्लास्ट हो गया। वैसे अब तुम्हारा पूरा चेहरा चॉकलेट से ढका हुआ है। और तुम्हारा अजीब है, मेरा आईफोन भी चॉकलेट की तरह भूरा हो गया है। सुनो, यह चॉकलेट है और स्वादिष्ट भी है। क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता? मुझे खाकर देख दो। बिल्कुल, यह सच स्वादिष्ट चॉकलेट है। वाह, देखो, यह असली सोना है। मेरे पास भी ऐसा ही है, लेकिन हमसे किसके पास चॉकलेट है? मेरे बार से स्वादिष्ट महक आ रही है, इसलिए शायद मेरा वाला। चल खा कर देखते हैं। वाह, मेरा चॉकलेट है और मुझे किसी सोन की जरूरत नहीं है। क्या सच में? शायद मुझे भी चॉकलेट बार मिला हो, मुझे पता करना होगा। तो कैसा है चॉकलेट, है पसंद आया? नहीं, देखो, मेरे दांत टूट गए, अब मैं कैसे कुछ खा पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। किसी को पता नहीं है, पर मैं असल में एक डेंटिस्ट हूँ। अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारे दांत की जरूरत ही है, मेरे पास बेहतर आइडिया है। इधर आओ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरा फर्ज था, आज मैं एक डॉक्टर हूँ। चलो, आँख बंद करके ढक्कन खोलते हैं, ये मजेदार होगा। एलेक्स कितना बुद्धू है। अरे नहीं, मैं ये तीखी मिर्च नहीं खाऊंगी। लेकिन एलेक्स इसे मजे से खाएगा, उसे मिर्च से निपटने दो। एलेक्स, अब अपना ढक्कन खोलो, मेरे पास चॉकलेट मिर्च है। ओ नहीं, मुझे मिर्च मिली है। शायद ये बहुत तीखी हो, लेकिन तुम्हें ये पहले से ही पता होना चाहिए। तब तक मैं अपनी मीठी मिर्च बजे लेती हूँ। मेरे पास शुद्ध चॉकलेट मिर्च है। अब ये स्पष्ट है कि मुझे अपनी मिर्च खानी होगी। जी बात है, ये बिल्कुल तीखी नहीं है। अरे देखो, इसके अंदर चॉकलेट है। अगर मेरा चॉकलेट है, फिर तुम्हारा क्या है भाभी? इसके अंदर क्या है? ये तीखी मिर्च है। बचाओ, मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मदद कैसे करूं। हालांकि मुझे लगता है कि पानी से तुम्हें राहत मिलनी चाहिए। ये बहुत तीखी है, बदतर होते जा रहा है। तो फिर रखो, मैं अभी आता हूँ। जब तक तुम वापस आ रहे हो, खुद संभाल लेती हूँ। स्प्रिंकल्स ने मेरी मदद की। यहाँ, मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए बाल भरकर दूध लाया हूँ। अपना आँख बंद करो। नहीं, मैंने तुम्हारे बिना ही सब संभाल लिया था।
वाह पॉपिट, बहुत बढ़िया, हमसे पॉप कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी पॉपिट पसंद है, पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि हम दोनों को पोक कर रहे हैं? इनमें से एक चॉकलेट होना चाहिए, पर मैं अपना काट भी नहीं सकती। देखो इस पे एक चिन्ह बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह मेरे बटन पर भी है, चलो इसे दबाते हैं। वाह अब ये हुई ना बात, अब मेरे पास ना केवल रबर खिलौना है बल्कि चॉकलेट कोला भी है, और वैसे इसके अंदर बहुत सारा चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है, जाहिर है दूध वाला, और ये मेरा फेवरेट है। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट और पॉपिट को कैसे जोड़ा जाए। ये पॉपिट चॉकलेट को एक आकार में ढाई के लिए एकदम सही साझा है, और इसके लिए बस एक साधारण फ्रीज की जरूरत है। हो गया, और अब मेरे पास एक बढ़िया और स्वादिष्ट चॉकलेट है। कम से कम इसे मुझे चखने दो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी इसे संभाल सकती हूँ, और तुम बैठकर उसे जलते रहो कि मुझे क्या मिला है। लाजी। वैसे मैं इतनी देर से क्यों बैठा हूँ, मेरे पास भी कोला है, मैं भी इसे पॉपिट में डालकर कुछ स्वादिष्ट बना सकता हूँ। जरूरी है कि इसे फ्रीजर में डालना ना भूले। साधारण कोला से क्या होगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अरे चोट लग गई, देखो तुमने क्या किया है। ओ मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बस मैं जल्दी में था और अपना कोका कोला लॉलीपॉप खाना चाह रहा था। ये स्वादिष्ट दिख रहा है, मुझे भी खाने दो। बिल्कुल यह लो, मैं लालची नहीं हूँ, इसके अलावा यह लॉलीपॉप बहुत चिपचिपा है, इसके बजाय मैं तुम्हारी चॉकलेट खाऊंगा। ओह मेरे बिना तुम अभी भी इसको छुड़ा नहीं पा रही हो, तुम्हें स्पष्ट रूप से मेरी मदद की जरूरत है, मुझे लगता है यह मजेदार था। हाँ सच में मजेदार था। अरे यार कैक्टस, मुझे नहीं चाहिए था। मेरे पास भी कैक्टस है, जरूर ये बहुत कांटेदार होंगे। ओह सच में बहुत निकले, सच में, फिर मुझे अपने कैक्टस की जांच करनी होगी, आशा है कि चुभे ना। बिल्कुल मैं इसके कांटे को खा भी सकती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह कांटे नहीं है बल्कि स्वादिष्ट कुकीज है, और यह सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं और सब स्वादिष्ट। यह अंतिम वाला मेरा। ओह मेरे कैक्टस में कोई कांट नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ कि इसका स्वाद तरह से भी अच्छा होगा, बहुत स्वादिष्ट। और अब तुम्हारे दांत बुरे हो गए हैं, अब आते बंद करो और अपना खाओ। मेरा कैक्टस असली है, इसलिए इसे खाना इतना आसान नहीं है। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ताकि कांटे इस खाने में दिक्कत पैदा ना करें, बस इसे शेव करना होगा। उफ, सारे कांटे मेरी तरफ उड़ कर आ रहे हैं, माफ ना मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरे पास ये गंजा कैक्टस है, पर इसे काट कर यूं खाना अगर इसे रस निकाल सकते हैं, और इसके लिए मेरे पास एक विशेष नल भी है। यह भयानक है, मैं भी पीकर देखना चाहती हूँ, मुझे दो, लो सब पी लो। कितना खराब, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने चेतावनी दी थी, यह बहुत खराब है, यह अब तक सबसे खराब जूस है जो मैंने पिया है। अरे वाह नया आईफोन, अगर तुम्हारे पास असली है तो मेरे पास चॉकलेट है। हाँ यह सच में 100% चॉकलेट है, देखो यह दुनिया का पहला आईफोन है जिसे मोड़ा जा सकता है, और साथ ही साथ इसे खाया जा सकता है, और यह स्वादिष्ट भी है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चॉकलेट आईफोन अच्छा है, लेकिन नहीं, यह अच्छा तब होगा जो चाहे वह ट्रीट निकाल सकते हैं और खा सकते हैं। मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, नहीं मैं खुद सारे कैंडी खाना चाहती हूँ। कॉकरोच, ये खाने का मैं बिल्कुल भी मन नहीं है। एलेक्स ले लो, एक दो के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉकरोच बचाओ, ये कैसी गंदा कॉकरोच है, और अब ये तुम्हारे सिर पर है एलेक्स। क्या नहीं, तुम
मुझे नहीं खा सकते, हटो। मैंने उसे भगा दिया। हाँ, और इनाम के रूप में हम ये सारे कैंडी खा सकते हैं। वाह बाबी, देखो ये असली कैमरा है। अच्छा सुनो, मेरा एक फोटो क्लिक कर दो, मुझे भी एक अच्छी फोटो चाहिए। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा निकला। एलेक्स, क्या आप तुम मेरी तस्वीर ले सकते हो? मुझे एक अच्छी फोटो चाहिए। हाँ क्यों नहीं। ये बहुत मजेदार निकला। मजेदार, दिखाओ जल्दी। ओ, तुमने ऐसी तस्वीर क्यों ली? मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीर खींची थी। वाह, ये दुखी होने का समय नहीं है, मेरे पास चॉकलेट कैमरा है और ये जरूर स्वादिष्ट भी होगा। क्या तुमने देखा, उसने चश्मा को चॉकलेट का बना दिया। मैं सिर्फ उसे देखूंगा नहीं, मैं उसे खाऊंगा भी। तुम शायद मेरे लिए भी एक टुकड़ा दे सकते हो। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अब मैं अपने झुके को चॉकलेट का बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है। वाह, अब मेरा पुराना जूता स्वादिष्ट चॉकलेट है, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? प्लीज दे दो ना, मेरा बहुत मन है। मैं उसके बदले में तुम्हें अपना कैमरा दे दूंगा। No. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं ये कैमरा खुद ही चुरा लूंगा। नहीं, ऐसा करने की गलती भी मत करना। उफ, यह क्या हुआ, लगता है कि बारूनी बार भी अब मुझसे बात नहीं कर पाई। मैं इसे खा भी सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट भी। मुझे अपने काम से प्यार है, थोड़ी तलवारबाजी का अभ्यास कर लेती हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ पर डॉक्टरी जांच करने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या है? नहीं, हमें ऐसे टूल की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओ। नहीं, मुझे जांच करना जरूरी है, ये मेरा काम है। और तुम मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी इसके साथ, तो तैयार हो जाओ। नहीं, बेहतर होगा तुम कैदी उपचार करो। वो मार लग रहा है, देखो वो यहाँ है। डॉक्टर जाओ उसे देखो। क्या ऊपर? हाँ सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है वो सच बीमार है। तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, एनिमा एक निजी मामला है। देखो एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। कैसा लगा? यही तुम्हारा दोस्त है ना? दोस्त नहीं, एक बिल्ली है और मेरा दोस्त तो लगता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगी। ठीक है तुम आ जाना, पर अभी जाओ, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। परेशान हो, मेरे पास सही दवा के साथ एक सिरिंज है, अब मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी और ये भयानक एलर्जी गायब हो जाएगी। नहीं, इंजेक्शन जरूरी नहीं है, अच्छा होगा अपनी बिल्ली को पकड़ो, नहीं तो वो भाग जाएगी। मैं किसी भी तरह अपने आप को संभाल लूंगा। अपने पास एक स्वादिष्ट लग, बिल्ली कहाँ आ गई? कोई बात नहीं बिल्ली, मुझे माफ करो, लेकिन मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा। जाओ यहाँ से। अरे लगता है किसी ने हमें एक लिया है। जब तक पुलिस को होश नहीं आता, हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। अगली बार सूट बदलना होगा। नमस्ते, मैं सफाई करने आई हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह चेक करना होगा, हो सकता है तुम कुछ खतरनाक या अवैध सामान लाए हो। मैं सिर्फ एक किलर हूँ, कुछ भी ना। नहीं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दी होगा, तुम्हें किटकैट चाहिए, मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यह मत सोचो कि काम से ज्यादा चॉकलेट मेरे लिए जरूरी है। मुझे दिखाओ बाल्टी में क्या है। बाल्टी में कुछ नहीं है, अभी क्या करूं? बिल्कुल सही, आपके साथ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके जैसे 10 और घर है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है बाहर निकलो, कम से कम सफाई तो होगी। वाह धन्यवाद एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ। तीनों मिले? तीन? लेकिन वो तो सिर्फ एक ही है। नहीं हो सकता, मुझे तीन सुनहरी मछलियाँ मिली थी।
मछली? What? मछली को दोस्त कौन कहता है? ये वो नहीं है मेरे दोस्त। चुप रहो, पुलिस आ रही है, मछली को छुपाना होगा। छिपाना मैं क्या करूँ, मैं उन्हें कहा था। अच्छा टुलिप भी ठीक रहेगा, पानी भी है, इसमें मछलियाँ सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी, उन्हें उसे शक नहीं होगा। यहाँ क्या चल रहा है, सारा अपनी फर्श पर क्यों है? तुम क्यों आई हो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे बहुत तुरंत जगह खाली कर दे रहे हैं। मुझे विश्वास है जैन मेरे दोस्त को ढूंढ सकती है। What's the matter with you? मेरा दोस्त, इसके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपनी खुद की बहुत याद आती है। हेलो, मेरा नाम जेरी है और मैं तुम्हारी तकनीक की जांच करने आया हूँ। ये मेरा सूटकेस है, इसे देखो, सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं तुम्हें अंदर जाने देती हूँ, अंदर जाओ। लेकिन रुको, सबसे पहले तुम मेरी कुर्सी को देख सकते हो, ये टूट गया है। कुर्सी? हाँ ऐसा होता है, यहाँ सब कुछ सरल है, हमें चाहिए एक स्कॉच। स्कॉच? हाँ, अंदर जाओ। ओके। फिर से अधिकारी ने सबसे सस्ते कारीगर को बुलाया है, जाओ। यहाँ बस रोशनी की समस्या है, क्या तुम बल्ब को इसमें फिट कर सकते हो? क्यों नहीं, मेरे लिए बहुत आसान। अब हमें ये सोचना है कि एंडी तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने के लिए हमें दीवार में एक बड़ा छेद करना होगा, इसके लिए एक हथौड़ा चाहिए। हाँ जेली दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, मेरे पास एक ड्रिल है। यह क्या है? लगता है तो अलग ही करना होगा। अब यह काम करेगा। वहाँ क्या हो रहा है? चिंता न करें, बस आपको एक बल्ब डाला है। अंत में एंडी अपने दोस्त को देगा। मेरा दोस्त कहाँ है? वो निश्चित रूप से ऐसे छेद में फिट नहीं होगा। क्या क्या वो चूहा है? What? क्या हुआ? दीवार चूहा कहाँ है? अरे नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भागो। नमस्ते, मैंने एक खतरनाक अपराधी पकड़ा है, ये नेवला चोर है, हमसे एक सेल में रखना होगा। वाह, कोई लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, चलो सेल तरफ है। What? मेरा क्या कहाँ है? वहाँ क्या चल रहा है जेन? तुमने मेरे दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ वो यहाँ है, अपने दोस्त को देखकर खुशी हुई। दोस्त? लेकिन ये नेवला है, ये भयानक है, ये मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको, तुम पुलिस नहीं हो, मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अरे ओ, मेरे सारे हथियार कहाँ हैं? लगता है ये चोर वाकई में बहुत चालू है। यह क्या है? ओ नहीं, यही सही समय है, माफ करना लेकिन अब हमें जाना होगा। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें पकड़ सकती हूँ। नहीं तुम नहीं पकड़ पाओगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह लो, क्या आज की यही तुम्हारा खाना है। हेलो, मैं डैडी के लिए खाना लाया हूँ। ओके। आशा के अंदर कोई जानवर नहीं, हाल ही में किसी ने नेवले को लाने की कोशिश की थी। Awesome. अरे तुम क्या कर रही हो, खाने में जानवर कहाँ से होगा, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, क्या मैं चिकन रख सकती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। निश्चित रूप से, बॉन एपेटिट, धन्यवाद, आखिर खा सकती हूँ। एक सेकेंड, ये फर कहाँ से आया? मुझे लगता है कि मुझे पता है। एंडी, ये मैं हूँ। जेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच्ची में? आखिरकार मैं इधर करके थक गया हूँ। मैंने 2 घंटे तक उसका पीछा किया, तुम्हारा दोस्त तेज और फुर्तीला है। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये खरगोश है। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मैं सब कुछ समझ गई, ये फिर से तुम हो और तुम फिर से जान लाने की कोशिश की हो। क्या?
क्या? कौन सा जानवर? कवर के नीचे वे वहाँ है। नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तुमसे साबित नहीं कर सकती। नहीं हो सकता, एक जानवर जरूर है। मैं खुद चिकन पर बाल देखा है। देखो कोई नहीं है, तुम हम पर झूठ इल्जाम लगा रही हो। नहीं, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे नहीं छुपा रही हो। तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं देखा, वो केवल मुझे खाना देने आई थी। कितना होशियार खरगोश है, वो मेरी टोपी में छिप गया था। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? Could you please? देखो मैं एन को देखने आई हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। हमारे एक परिवार और एक छोटा बच्चा है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? पारा बच्चा अपने पिता को बहुत याद कर रहा है। बच्चा बिल्कुल अंदर जाओ। एंडी ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। एंडी, हे, मैं हूँ फिर से। ऐसा लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे दोस्त को आखिरकार ढूंढ लिया हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा दोस्त एक कुत्ता है? दोस्त, आखिरकार तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसे यहाँ दो। वो मोट हो गया, इसलिए उस सलाखों में नहीं आ रहा है। देखो वो भाग रहा है। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। अब क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चिड़ियाघर में क्यों बदल गई है? अरे कुत्ता कहाँ जा रहा है? बचाओ, मदद करो, मुझ पर हमला किया गया है। एंडी बाहर निकालने का मौका मिला और चाबियां यहीं पर हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो? हाँ, तुम भी मुक्त हो जाओगे। बस यही चाबी चुनना है। मुझे लगता है मैं किस जानवर को कैसे शान दिया जा सकता है। क्या तुम्हें सॉसेज चाहिए? मैं जानती थी ये काम करेगा। अब जाओ, तुम भी अब जेल में जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं असल में बस खड़ी हूँ। मेरे दोस्त, अब तुम अपने मालिक के साथ रहोगे, लेकिन तुम दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। अरे दोस्त, आखिरकार हम एक साथ हैं। मैं घर जा सकती हूँ। नहीं, तुमने पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर में बदल दिया था, इसके लिए तुम्हें भी जेल ही रहना होगा। अब मुझे शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अंदर बहुत भीड़ हो गई है, हमें निकालो यहाँ से। जी नहीं, अब तुम यहीं आराम करो।